एक ही गांव की गर्ल्स स्टूडेंट से ठगी की कोशिश, आपकी सरकारी नौकरी लगी है कहकर आधार नंबर और रुपए मांगे, पुलिस से शिकायत। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के सिरसौत गांव में स्कूल में पढ़ने वाली कई छात्राओं के मोबाइल नंबर पर अज्ञात ठग के द्वारा फोन पर सरकारी नौकरी लगने की बात कही जा रही है, साथ ही उनसे पैसों की मांग भी की जा रही है। ये घटना एक ही गाँव में कई छात्राओं के साथ घटी है। छात्रों ने सोमवार रात परिजनों के साथ अमोला थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि सभी छात्रों के पास एक मोबाइल नंबर से फोन किए गए थे। सिरसौत गांव की रहने वाली मुस्कान के मुताबिक उसके पास एक अनजान नंबर से फोन था। फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कहा गया कि सरकारी नौकरी के लिए आपका नंबर चुना गया है। आधार कार्ड नंबर पूछने पर उसने अपना आधार नंबर भी बता दिया। बाद में उससे 1340 रुपए ऑनलाइन भेजने की बात कही थी, लेकिन उसने पैसे नहीं भेजे। बता दें कि सिरसौत गांव में सरकारी नौकरी लगाने के नाम, आधार नंबर सहित पैसों की मांग के लिए उसी अज्ञात नंबर से वैष्णवी जानकी के साथ कई छात्रों के पास फोन आ चुके हैं। इसकी शिकायत छात्रों ने परिजनों के साथ पहुंचकर अमोला थाने में दर्ज कराई है। परिजनों का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा नौकरी लगने के नाम पैसों की मांग की जा रही है, लेकिन ठगों के पास एक ही गांव के कई छात्रों के नंबर कैसे पहुंचे, इसकी शिकायत भी की गई है।